सीमित मात्रा में गाय का घी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन ठंड में घी कई बीमारियों में जहर समान हो जाता है। ठंड में घी का प्रयोग करने से पहले आप ये जान लें कि आपके लिए घी फायदेमंद होगा या नहीं। हालांकि ये सच है कि आयुर्वेद में घी औषधि के समान होती है, लेकिन सर्दियों में इसे खाना कुछ लोगों को एकदम बंद कर देना चाहिए। घी में कई सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे ओमेगा 3A, ओमेगा 6 फैटी एसिड और विटामिन, लेकिन ठंड में घी के कई नुकसान होते हैं, खासकर कुछ बीमारियों में। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में किन बीमारियों में ठंड के समय घी खाना बंद कर देना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं तो आपको ठंड में घी या मक्खन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। असल में घी ठंड में जिस तरह से जम जाता है, उसी तरह से ब्लड में भी ये जाकर जम जाता है। ऐसे में जिन लोगों की नसों में ब्लॉकेज की समस्या है और जिनका ब्लड गाढ़ा है, उन्हें घी खाने से बचना चाहिए। इससे समस्या और भी बढ़ सकती है। कफ या सांस लेने में हो समस्या। अगर गले में दर्द, कफ या सांस संबंधित समस्या हो तो आपको घी का सेवन ठंड में करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये गले और सीने में जाकर जम जाता है। इसे छाती में और जकड़न महसूस होती है और कफ बाहर आने की जगह वहीं जमा रहता है। लीवर हो खराब। अगर आपको लीवर से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो घी को एकदम ना खाएं, क्योंकि ये जहर के समान होता है। लीवर में घी की अधिकता फैटी लीवर और सूजन का कारण बनती है। इससे लीवर की कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। पाचन ठीक नहीं रहता। जिन लोगों का पाचन ठीक नहीं रहता, वो घी का सेवन करने से परहेज करें। गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या से परेशान लोग अगर घी का सेवन करेंगे तो उनकी परेशानियां और बढ़ जाएगी। अगर आपका पाचन दुरुस्त नहीं रहता तो आप घी का सेवन सीमित मात्रा में करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।